काफी लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं इतनी ज्यादा होती हैं कि उनकी तनख्वाह तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन फिर भी वे अपने लिए ना तो कुछ जोड़ पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। जितना भी वे कमाते हैं सब कुछ कर्ज में ही व्यर्थ हो जाता है। पूरा जीवन केवल कर्ज ही भरते हुए रह जाते हैं और तब भी उनके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है, क्योंकि 24 घंटे ही कर्ज की समस्या उन्हें इस प्रकार जकड़ के घेर के रखती है कि मन बिल्कुल भी शांत हो ही नहीं पाता है। ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही 24 घंटे ही सोचता रहता है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल विचार इतने ज्यादा आते हैं कि वह रात को भी ठीक से नहीं सो पाता है। 24 घंटे ही वह मर मर के घुट घुट के ही जीता रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो विशेषकर बरगद वृक्ष से जुड़ा हुआ प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग इतना ज्यादा तीव्र है कि चाहे आपके जीवन में कर्ज की कितनी भी ज्यादा ही समस्या क्यों ना हो, तुरंत ही हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार के कर्ज से तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इस प्रयोग को आपको केवल तभी करना है जब आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं आ गई हों और कहीं से भी आपका कर्ज ना आप चुका पा रहे हों, ना ही कहीं से धन के स्रोत खुल पा रहे हों, तभी केवल आपको इस प्रयोग को करना है। लेकिन करना किस प्रकार है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, क्योंकि भगवान शिव का वास केवल बरगद वृक्ष में होता है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बरगद वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। बल्कि काफी लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बरगद वृक्ष के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारी अदृश्य शक्तियों का वास होता है, भूत प्रेत जिन आदि वास करते हैं। तो वो ऐसी अफवाहें आपने इसीलिए सुनी है क्योंकि बरगद का वृक्ष बहुत ही ज्यादा खास और चमत्कारी होता है, कहीं आप उसका लाभ ना उठा लें, इसीलिए इस तरह की अफवाहें जन में फैलाई जाती हैं, जिससे बरगद वृक्ष से लोग डरने लग जाएं और हमेशा ही दुखी रह जाएं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद वृक्ष एक बहुत ही ज्यादा सात्विक वृक्ष है और इस चीज को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं। बल्कि पहले के जमाने में जो लोग होते थे वे भली भांति बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे कि जब भी उनके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आते थे या फिर चिंताएं उन्हें बहुत ज्यादा घेर लेती थी, कभी उनके मन में घबराहट होती थी या कोई भी ऐसा संकट उन्हें घेर लेता था, तो बस वे एक कार्य को जरूर करते थे कि बाहर घूमने जाते थे और बरगद वृक्ष को ढूंढते थे और उसके ऊपर चढ़कर या तो बैठ जाते थे या बरगद वृक्ष के किसी भी तने पर या फिर बरगद वृक्ष से अपनी कमर को लगा के बैठ जाते थे और थोड़ा समय 15 मिनट वहीं पर रोज बिताते थे। केवल इतना करने मात्र से उनका हर एक संकट, हर एक चिंता, हर एक घबराहट बरगद वृक्ष अपने अंदर समा लेता था। तो ऐसा आखिर क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बरगद वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है और इसकी जड़ों से लेकर इसके फल, इसके पत्ते, इसकी टहनी सभी कुछ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब जो कमर होती है, कमर में रीढ़ की हड्डी होती है और वहीं पर 7 चक्र विराजमान होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके 7 चक्रों में से किसी एक चक्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं या धन की समस्याएं होती हैं तो वह जुड़ी हुई हैं मणिपुर चक्र से। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र की समस्याएं घेरती हैं या जादू टोना उन्हें हो जाता है, डर बहुत ज्यादा अधिक लगता है या तांत्रिक उन पर कुछ ना कुछ आए दिन कराते रहते हैं और उन पर बड़ी आसानी से हो जाता है, तो ये बताता है कि उन व्यक्तियों का मूलाधार चक्र बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जिन लोगों का मूलाधार चक्र कमजोर होता है ऐसे लोग स्वयं को देखकर भी, खुद अपने आप को ही देखकर डर भी जाते हैं। बल्कि काफी बार उनके साथ ये भी होता है कि जिन लोगों को वे जानते हैं अचानक से उन्हें देख लेते हैं तब भी डर जाते हैं, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र कमजोर होने के कारण बहुत सारे लोग उन्हें नजर लगाते रहते हैं, कोई ना कोई शत्रु उन पर कुछ करा देता है, तो इसीलिए वे हमेशा परेशान ही रह जाते हैं। लेकिन एक खास प्रयोग को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि बरगद वृक्ष के तने पर या तो आप चढ़कर बैठ सकते हैं और 10-15 मिनट वहां पर समय बिता सकते हैं। तुरंत जब ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सुखद महसूस आप करने लग जाएंगे, जैसे कि कोई परेशानी आपकी सोख रहा है। अब दूसरी चीज ये है, जो लोग पेड़ पर ना चढ़ पाए, वैसे तो बरगद वृक्ष पर चढ़ना बेहद आसान रहता है, लेकिन उसके तने से, उसकी जो टहनियां हैं उस पर कमर लगाकर भी आप बैठकर थोड़ा समय वहां पर बिताकर आ सकते हैं। अब बरगद वृक्ष काफी मंदिरों में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, बहुत सारे लोग मंदिरों में समय बिताते हैं, तो बरगद वृक्ष को ढूंढकर उसी के पास बैठना आप आज से या कल से शुरू कर दें और फिर अपने जीवन में ऐसे चमत्कार को देखें कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि रोज प्रतिदिन बरगद वृक्ष आपके संकटों को, आपकी परेशानी को अपने अंदर सोखने लग जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वृक्ष है
कि इसका विस्तार कभी भी थमता नहीं है। ये विस्तार अपना इतना फैला देता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो आसपास के कई एरिया तक अंदर ही अंदर फैली हुई होती हैं। जितनी जड़ें उसकी बाहर दिखाई देती हैं उससे कहीं ज़्यादा जड़ें उसकी मिट्टी के अंदर भी समाई रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको वही करनी है जो हमने आपको बताई है। इसका जो तंत्रोक्त कारण है वो भी हमने आपको बताया है, क्योंकि ये खास जानकारी है, तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी है जो बिल्कुल भी कभी भी फेल नहीं होती हैं, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिससे आप उनका लाभ उठा सकें, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करके रखा करें। अब दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, वैसे तो आपको ये बता दें कि तंत्र में ये बताया जाता है जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन होता है वह पहले से ही उसके कर्मों के अनुसार तय हो जाता है कि वह कितना धन कमाएगा, कितना उसके जीवन में यश वैभव होगा और कितनी धन की समस्याएं उसके जीवन में होने वाली हैं। उपाय करके, साधनाएं करके वह अपने कर्मों को अच्छा करता है, बढ़ाता है। यही कारण है कि उसके जीवन में धन की समस्याएं फिर दूर होने लग जाती हैं। लेकिन कितने धनवान आप बनने वाले हैं ये ग्रहों से पहले ही तय हो जाता है। अब इसी चीज़ को चेंज करने के लिए बरगद वृक्ष का एक सबसे ज़्यादा खास प्रयोग ये है कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कर्ज की समस्या में आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो आप एक कार्य करें कि किसी भी पूर्णिमा पर आप सुबह सुबह बिल्कुल बरगद वृक्ष के पास जाकर उसकी जो जटाएं होती हैं, जो ऊपर जड़ें दिखाई देती हैं, लटकी रहती हैं, उन जड़ों में आपको एक गांठ लगा देनी है। बरगद वृक्ष को नमस्कार करना है, अपनी समस्याएं बोलनी है और उसकी एक जड़ में गांठ लगा के बस अपने घर आ जाना है। ये खास प्रयोग तब किया जाता है जब जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता धन की पड़ती है, इसीलिए इस प्रयोग को केवल तभी करना है जब जीवन में धन की समस्याएं हों और कहीं से भी धन आपको प्राप्त ना हो पा रहा हो। आपको बता दें कि जब आप उस वृक्ष की जड़ों में उसकी जो जटाएं होती हैं उसमें गांठ लगाएंगे तो इससे आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि कहीं ना कहीं से अचानक ही आकस्मिक धन प्राप्त होता है और वह कहीं और से प्राप्त नहीं होता है बल्कि आपके खुद के ही भविष्य से फास्ट होकर फिर आपको प्राप्त होता है। यानी कि जो धन आपको भविष्य में प्राप्त होने वाला था, जो पहले होने वाला था, तो वो आपको वर्तमान में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि तभी करना है जब आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं, क्योंकि इस प्रयोग से आप अपने ही भविष्य से वर्तमान में धन फास्ट कर रहे हैं। यानी कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कितना उसे धन मिलने वाला है वो पहले से ही तय हो जाता है, तो जो धन आपको भविष्य में आपका रखा हुआ है वो आप अभी इस्तेमाल करने के लिए यह प्रयोग करते हैं। तो जब धन की समस्याएं होती हैं तभी इस प्रयोग को करना है। अब तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई व्यापार है, आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर एक तीसरा कार्य ये कर सकते हैं कि जो बरगद वृक्ष की जो जड़ होती है उसे एक दिन पहले जाकर निमंत्रण आप दे आएं कि हे बरगद वृक्ष महाराज, मेरे जीवन में धन की समस्याएं हैं, कल मैं आऊँगा और आपकी जड़ लेकर जाऊँगा। इस प्रकार निमंत्रण देकर आप आ जाएं और अगले दिन जाकर इस पेड़ की थोड़ी सी जड़ को निकाल कर लेकर आ जाएं। इस जड़ को लाकर आपको इस जड़ को लाल चंदन से बिल्कुल अच्छी तरह से लेप कर देना है और उसके बाद किसी भी लाल रुमाल में, लाल कपड़े में इस जड़ को भर के अपने कैश बॉक्स में या फिर अपनी तिजोरी में, जहां पर आप व्यापार करते हैं, जहां पर पैसे रखते हैं, जहां पर लेन देन होती रहती है, वहां पर केवल इस जड़ को स्थापित किया जा सकता है। केवल इतना करने मात्र से इस जड़ को जहां भी आप रखते हैं वहाँ का विस्तार बिल्कुल भी थमता नहीं है, क्योंकि बरगद वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें अपार ऊर्जाएं होती हैं, उसमें एक ऐसी ताकत होती है कि ये जहाँ भी होती है वहाँ का विस्तार भी बढ़ाने लग जाती है। बरगद वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उसके तो वैसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोस में भी निश्चित बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो प्रयोग हमने आपको बताए हैं वो करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जड़ निकाल कर लाएंगे तो यह केवल पूर्णिमा के दिन ही आपको निकालनी है और सूरज उगने से पहले, यानी कि जब सूरज उदय होता है तो उससे पहले ही बरगद वृक्ष के पास आपको जाना है और जड़ को निकाल कर लेकर आना है। सूरज की रोशनी में इस जड़ को आपको नहीं निकालना है क्योंकि यह बिल्कुल प्रभावहीन होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई भी समय चुन लें, 4 बजे जाकर, 4:30 बजे जाकर, जिस समय सूरज उगता है उससे थोड़ा सा आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले जाकर आप जड़ को निकाल लें और उसके बाद जिस प्रकार हमने आपको बताया है विधिवत पूजा करके अपने कैश बॉक्स में इस जड़ को रख लें। ये जो उपाय होते हैं ये बड़े ही ज़्यादा खास तंत्रोक्त होते हैं, तो जिस प्रकार बताए जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार आपको करने हैं। केवल इतनी चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो धन की समस्याएं और कर्ज की समस्याएं फिर आपके जीवन में हो ही नहीं सकती हैं।
इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में सुखी रह सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।